हिंदी दो कक्षा सात भाषा सज्जता के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है जो परीक्षा के अंदर एक गुण का जो भाषा सज्जता में विशेषण नाम का टॉपिक परीक्षा में पूछा जाता है, तो उनके बारे में आज हम सीखने चाहेंगे। तो विशेषण के कितने प्रकार है, कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले विशेषण का मतलब क्या है। विशेषण यानी कि उसका मतलब है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो फिर सबसे पहले हम विशेषण का व्याख्या लिखेंगे। विशेषण यानी जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, विशेषण कहते हैं। तो इनको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर है कैसा साहसी बालक है। दूसरा लेते हैं बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर फूल खिले हैं। तीसरा भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। और चौथा बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। और पांचवा वह आदमी जा रहा था, वह आदमी जा रहा था। तो बाल दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने कितने एग्जांपल यानी कि उदाहरण दिए हैं, अब इसमें से आपको विशेषण ढूंढना है। तो इसमें से कौन सा विशेषण था, तो आप पहचान के कैसा साहसी बालक है। तो इसमें क्या कहता है कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि कैसा साहसी बालक है, आप इसको प्रश्न पूछे विशेषण ढूंढने के कैसा कैसा बालक है, तो कैसा साहसी बालक, ये आ गया अपना विशेषण। दूसरा बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, बगीचे में क्या खिले, आप बगीचे में कैसे फूल खिले ऐसे पूछना हो तो बगीचे में सुंदर फूल खिले, ये आ गया अपना दूसरा विशेषण। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, भारत ने श्रीलंका को कितने विकेट से हराया, तो यहाँ पे 3 शब्द आ रहे हैं वो अपना विशेषण है। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, तो बाल्टी में कितना पानी है, तो यहाँ जो जवाब आएगा थोड़ा सा पानी है, ये भी विशेषण। वह आदमी जा रहा है, तो कौन कौन सा आदमी जा रहा है, देख तो वह आदमी जा रहा है, ये भी अपना एक विशेषण है। तो मैं यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न पूछे, कैसा, कितना और कैसा, फिर कितने कितने रन विकेट से, कितना विकेट, कितने विकेट, कितने विकेट से रहे, ऐसे सवाल से हमने जो सवाल पूछे जो हमें विशेषण मिलते हैं। जैसे कि दिकेसा साहसी बालक है, ये हमारा विशेषण हो गया। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, ये भी हमारा विशेष सुंदर हमारा विशेषण, साहसी विशेषण, तीन, थोड़ा सा और वह, ये सारे हमारे क्या है, विशेषण है। तो इन विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ प्रकार के बात करें, विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकार है कितने हैं वो हम लिखते हैं। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
तीसरा अनिश्चितवाचक विशेषण, ये इसका उल्टा है निश्चित का अनिश्चित। और चौथा बहुत सारे हैं परिणामवाचक विशेषण, विशेषण सार्वनामिक विशेषण, पांचवा विशेषण, बस अपने कुल पांच विशेषण। यानी कि कितने प्रकार हैं, तो यहां लिख देंगे पांच विशेषण के प्रकार पांच हैं। तो पांच कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, निश्चितवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम ये पांच विशेषण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले जो पांच प्रकार हैं विशेषण के, उसमें से सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। यहाँ पे हमने गुणवाचक विशेषण की व्याख्या लिख दी है कि गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, दशावस्था, स्थान, देश का, स्वादगन और दिशा का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि जिस शब्द के संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, दशावस्था, स्थान, देश का, स्वादगन और दिशा का जो बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके लिए हमने कितने उदाहरण दिए हैं, यानी कि एग्जाम्पल दिए हैं कि हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। तो हमारे आप इसको सवाल पूछेंगे कि हमारे देश में कैसे लोग ज़्यादा है, तो कैसे के बाद जो हमको आंसर मिलता है यानी कि उत्तर मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण के हम ईमानदार। सबसे पहले पूछेंगे हमारे देश में कैसे लोग ज़्यादा है, तो हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा हैं। तो हमारा ये ईमानदार क्या है, विशेषण, परंतु विशेषण कौन सा है, गुण दोष। इसमें हमें क्या मिलता है, गुण दोष की बात है। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो मुंबई जाने के लिए हमें कैसा रास्ता तय करना पड़ता है, तो यहाँ पे कैसा जो जवाब है यानी कि लंबा, लंबा भी हमारा क्या आया, आकार आया। और दूसरा है कौवे का रंग काला होता है, कौवे का रंग कैसा होता है, तो यहाँ भी हमें क्या मिलना है, काला। तो कौवे का रंग कैसा होता है, काला रंग, तो यहाँ हमें रंग रूप का देखना मिलता है। खरगोश का शरीर मुलायम होता है, खरगोश का शरीर कैसा होता है, तो खरगोश का शरीर मुलायम होता है, यहाँ भी हमें गुण दोष का जो मिल रहा है रखा है। तो शरीर के साथ मन कैसा रखना चाहिए, तो शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या, कैसे, कैसा, यानी कि ऐसे कैसा से जो सवाल पूछे उससे जो हमें आंसर मिले यानी कि उत्तर मिला, वो हमारे गुणवाचक विशेषण मिलता है। इसमें हमें कौन कौन से मिले, एक ईमानदार मिला, लंबा मिला, काला मिला, मुलायम मिला, स्वस्थ, जो शब्द हमें मिले वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। और भी कितने भी उदाहरण है जो आप किताब में देख सकते हैं, और इसके एक्सरसाइज यानी कि उसका जो अभ्यास स्वाध्याय दिया है उनको आप घर पे पुनरावर्तन कर सकते हो। तो आप लोग बच्चे लोग आप लोग समझ गए होंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है, तो उसकी व्याख्या समझ लेना चाहिए, फिर उसका उदाहरण समय, फिर उनको अपने कैसे से सवाल पूछेगा, जो जवाब मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, उसका अपना गुणवाचक विशेषण दोष होता है। समझ गए। अब आगे का हमारा टॉपिक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण टॉपिक है, यानी कि दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमने पहले जो गलत कर दिया निश्चित वाचक बोला था, परंतु उसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है दूसरा टॉपिक। तो इसके हम इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी व्याख्या क्या है, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित क्या है, संख्या का बोध होता हुआ, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि इस विशेषण के अंदर हमें संख्या का महत्व देना चाहिए, यानी संख्या का निश्चित बोध होना चाहिए। जो संख्या का बोध हो गया तो हमें ये पता चलेगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, प्रयाग तीन नदियों का संगम स्थान है। तो हम इसको सवाल पूछे कि प्रयाग कितने नदियों का संगम स्थान है, यहाँ पे हमने कितने शब्द से सवाल पूछ रहे हैं, प्रयाग कितने नदियों का संगम स्थान है, तो यहाँ पे हमें जवाब क्या मिलेगा, तीन नदियों का संगम स्थान है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए, तो आज कितना
आज कितना लीटर दूध चाहिए? तो आधा। आज केवल कितना? आधा। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। गौरव कौन सी कक्षा में, यानी कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तीसरी। तो यहाँ पे हमने जो सवाल पूछे, जो जवाब हमें मिला वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे देख सकते हैं प्रयाग तीन नदियों का संगम स्थान है, तो यहाँ तीन नदियों का संगम, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये तीन शब्द क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज केवल आधा, और आधा क्या है? लीटर दूध चाहिए। आधा भी क्या है? निश्चित संख्या का निर्देश कर रहा है। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो गौरव कौन सी कक्षा में? तो तीसरी। ये भी हमारा संख्या का निर्देश कर रहा है, तो ये हमारे क्या हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लास्ट में हमने कौन सी, ऐसा सवाल पूछा, तो हमने यहाँ पे जो जो सवाल पूछे उनका जो आंसर हमें मिला, यानी कि जो उनका जो हमें उत्तर मिला वो क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाए जाते हैं। समझ गए बाल दोस्तों? अब आगे का हमारा तीसरा है अनिश्चित वाचक विशेषण। दूसरा आपने सीखा था निश्चित संख्या वाचक विशेषण, उसका उल्टा अनिश्चित वाचक विशेषण। इसके अंदर क्या है? संख्या नहीं होती, ये बात जानना जरूरी है। तो फिर से कहता हूँ, अनिश्चित वाचक विशेषण का मतलब क्या है? जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो। याद रखना, निश्चित संख्या का बोध न, यानी कि उसमें कोई संख्या ना दी गई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। अगले हमने देखा था, अगले जो दूसरा था उसमें क्या है? था संख्या दी गई थी, जब इसमें क्या है? इसमें संख्या नहीं दी गई, तो इनको हमें पहचानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें इसका उदाहरण देखेंगे, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, तो इसमें हम विशेषण ढूंढेंगे, यहाँ में कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, तो जो लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, तो कई लोग, तो ये कई जो शब्द आता है ये हमारा क्या है? अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़के ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ भी क्या है? ये अनिश्चित वाचक विशेषण है। ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ज्यादा, तो जो शब्द आपको दिखाई दे रहे कई कुछ ज्यादा जो रेखांकित जो हमने शब्द की हैं वो क्या है? अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारे क्या है? अनिश्चित वाचक विशेषण है। जब भी आप परीक्षा में पूछे गए हो कि अनिश्चित वाचक विशेषण कौन से हैं, तो आपको याद रखना, जिसमें संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें संख्या का बोध हो उसको हम क्या कहेंगे? निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। तो बाल दोस्तों, आप ये इसको भी समझ गए होंगे निश्चित और अनिश्चित में क्या भेद। परिणामवाचक विशेषण, और परिणामवाचक विशेषण का मतलब क्या है? जो शब्द किसी वस्तु के नाप तौल को दर्शाते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब इनको समझना क्या है कि जब अपने कोई सब्जी या कोई भी सामान लेने गया, उसमें जो बाट रख के जो माल नाप तौल करता है, तो उसमें हमें क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। या कोई कापड़ मीटर से नापता हो तो भी हमें उसको क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे हम उदाहरण हैं, जैसे कि राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, तो यहाँ राधा ने कितना लीटर तेल मंगवाया? तो 2 लीटर। ये क्या आ गया? परिणाम। यहाँ क्या है? परिणाम का निर्देश हो रहा है। इसलिए किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। किशन ने कितनी इलायची खरीदी? तो किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। ये भी हमारा परिणामवाचक दर्शाता है। मीना ने 1 किलो हल्दी ले। मीना ने कितने हल्दी ली? तो मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें परिणाम का निर्देश हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो बाल दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे परिणामवाचक विशेषण क्या होगा? जिसका नाप तोल का निर्देश होता हो, दर्शाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। जो सबसे सरल विशेषण है, जो आप बिना देखे इसको पढ़ के भी आप उसको पहचान सकते हैं। अंतिम विशेषण है सर्वनामिक विशेषण। तो इसका मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता दर्शाता है, बताता है, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे तब उसे सर्वनामी विशेषण कहला जाता है। तो यहाँ पे याद रखें, सर्वनाम जो आप जानते हो कि कर्ता के स्थान में होता है, तो सर्वनाम को क्या कहता है कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता दर्शाता है उसे हम सर्वनामी विशेषण कहें। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल लेंगे, मेरा काम पूरा हो गया। तो यहाँ सर्वनाम हमें ढूंढना चाहिए कि यहाँ सर्वनामी कौन सा है, तो मेरा। तो यहाँ मेरा ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। वह आदमी जा रहा है, तो यहाँ भी एक है सर्वनाम कौन सा है, तो वह। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा? वह आदमी जा रहा है। यह घोड़ा है, तो यहाँ भी देख सकते हैं यह सर्वनामिक विशेषण है।
मुझे कोई किताब दे दीजिए। अब याद रखना है यहाँ पे सर्वनामिक मुझे नहीं आएगा परंतु क्या आएगा, कोई आएगा। और दूसरा वे कौन लोग थे, तो यहाँ पे वे नहीं आएगा परंतु कौन सा आएगा, कौन। तो ये हो गया हमारे सर्वनामिक विशेषण। तो बाल दोस्तों हमारे ये कुल 5 विशेषण थे हमारे जो परीक्षा में यानी कि द्वितीय सत्र में जो आते विशेषण के परीक्षा में पूछे जाते 2 या 3 गुण के, उनको आप परीक्षा में ऐसे पूछे थे कि इसमें से जो रेखाचित्र की है उसको पहचानिए और ये कौन से विशेषण है उनके नाम लिखिए।